खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय गोरखपुर द्वारा सोमवार को एनेक्सी भवन सभागार कक्ष में खाद्य कारोबारकर्ता निर्माण इकाई का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान 125 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संचालित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार, अजय कुमार सिंह और इंद्रेश प्रसाद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने कहा, हमारा एक कंपनी है जिसको 2-3 साल पहले उसके प्रोडक्ट में कोई केमिकल की परसेंटेज पड़ने से मार्केट से कंप्लेंट आती है तो हमको फूड रिकॉल करना पड़ता है। इंडस्ट्रीज को सारा का सारा माल वापस मंगाना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत खर्चा है उसमें। सब ड्रिंक्स होते हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स का इश्यू आते हैं, कुछ नूडल्स के केस आते हैं जहाँ पे लेड की परसेंटेज लेस, लेड की कंपनियों को बहुत सीवियर लॉस उठाना पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी सफर कर लेती है लेकिन छोटी छोटी कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है। के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। फिजिकल हैजर्ड्स की बात हम कर रहे थे। फिजिकल हैजर्ड्स वो होते हैं जो हमको आंखों से दिख जाते हैं। फूड प्रोडक्ट में बहुत बार हम लोग कई सारे फॉरेन मटेरियल हमारे फूड में आ जाता है, ये सिचुएशन आ जाती है। हम लोग में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हमारे दाल में मक्खी निकल आई, हमने क्या किया, दाल फेंक दी। फूड लॉस, पेपर प्लास्टिक है, हार्मफुल हार्मलेस है, हमने साइड में कर दिया, वो चीज खा ली। बट जस्ट इमेजिन आपके खाने में कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा है, आपको नहीं दिखा, आपने खा लिया, कितना सीवियर डैमेज कर सकता है वो आपके एलिमेंट्री कनाल को। जस्ट इमेजिन आपके फूड में कोई छोटा सा ब्लेड का पीस है, बहुत शार्प, आपको नहीं दिखा, आपने खा लिया। छोटे बच्चे भी खाते हैं बाहर, किसी के पेट में भी जा सकता है, कितना नुकसान कर सकता है ब्लेड का छोटा सा पीस आपके बॉडी को। ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स है, फिजिकल हैजर्ड्स। दूसरे हैं हमारे केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल्स हम सब जानते हैं, मैंने अभी बात की थी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड परमिसेबल लिमिट से ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे लिए सब कार्सिनोजेनिक है सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं जिनको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, जो हम लोग फार्म्स में यूज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं, सी फूड में यूज करते हैं, पोल्ट्री में यूज करते हैं, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग इंजेक्शन देते हैं एनिमल्स को, तो ये सब केमिकल्स हैं। ज्यादातर केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ये सब हमारे फूड सिस्टम में एंटर किए करने के बाद हमारी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। केमिकल्स का कोई रोल नहीं होता है फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी में, एक्सेप्ट जो बहुत जरूरी है। क्लीनिंग और सैनिटेशन के केमिकल्स हैं, या आपके मेंटेनेंस के केमिकल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, मशीन ऑयल्स हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं, इनको थोड़ा वहां पे होने जरूरी है। लेकिन अगर आपके किचन में, आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में, आपके फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स रखे हैं, प्रोसेसिंग एरिया में इंसेक्टिसाइड्स रखे हैं, आपके मक्खी मच्छर मारने के पेस्ट कंट्रोल के केमिकल्स रखे हैं, उनका कोई प्लेस नहीं है वहाँ पे। मेरा कुमार गुंजन, डीओ फूड सेफ्टी, क्षण खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जितने खाद्य निर्माण इकाइयाँ हैं जनपद में, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी के सभी बिंदुओं को इस प्रोग्राम में बताया जा रहा है। कौन कौन लोग शामिल हैं इस प्रोग्राम में? खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री इंद्रेश प्रसाद जी, श्री अजय कुमार जी, श्री नरेंद्र चौहान जी शामिल हैं, और FSSAI की ओर से एक टीम आई हुई है दिल्ली से, जिसमें श्री PC शर्मा जी मुख्य ट्रेनर हैं जो इस कार्यक्रम को संपादित करा रहे हैं।